देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। सूचना का अधिकार कानून 2005 को केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 में संशोधन किया। इस मामले को लेकर के जो विशेषज्ञ लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब सूचना के अधिकार कानून का आयोग है, अपने आप में सक्षम है वो निर्णय लेने के लिए, या फिर अगर संशोधन करना ही था तो इस विधेयक को संसद तक ले जाना चाहिए, तब जा कर के उसमें कुछ हस्तक्षेप होता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने संशोधन किया, जिस रणनीति के साथ, वो विरोध करने लायक है और लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने संशोधन करके इस आयोग के पंख काट दिए, उसका ओहदा कम कर दिया है। पब्लिक के लिए ये इतना अच्छा हथियार था, पिछले 10 सालों की लड़ाई के बाद मिला था कि इससे देश भर के अंदर बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर हुए। मैंने खुद अगर मैं बात करूँ तो बसपा सरकार से लेकर के लोकायुक्त तक मैं गया, सीबीआई ईडी की जांचें कराई, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के खिलाफ कराई, उसमें मुख्यमंत्री जी ने क्या किया वो अलग बात है। मतलब 1300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार मैंने उनका उजागर किया। इसके बाद फॉरेस्ट का किया, काशीराम आवास योजना का किया, लगातार 1800 RTI मैंने डाली उसमें, बड़े बड़े खुलासे हुए। उसका कारण क्या था? मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी, मेरे पास आत्मबल था और ये हथियार था। इस हथियार के माध्यम से ही मैंने बुंदेलखंड के 7 जिलों में अपनी पहचान बनाई। तो इस सरकार ने जो ये अमेंडमेंट किया 2018 वाला, जो संशोधन लेकर के आई है, संशोधन का बिल तो 2018 में आपने तैयार कर लिया था, अब 2019 में आके आपने उसको सार्वजनिक किया। तो इस संशोधन के माध्यम से आपने एक आम आदमी और खासकर हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की पूरी तरह से हत्या करने का एक खाका तैयार कर दिया। अब सरकार ये तर्क रखती है कि नहीं, हम उसको कमज़ोर नहीं करने जा रहे हैं, हमने तो संशोधन में केवल सूचना आयुक्त और CVC की जो पावर्स थी, जो CVC की कुछ वेतन भत्ते थे उसमें कटौती की है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का सूचना आयुक्त है, जब 90 दिन के प्रोसेस में एक व्यक्ति को सूचना अधिकार के अंदर 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना है, जवाब नहीं देगा तो हम फिर अपील करेंगे, अपील के बाद हम राज्य सूचना आयुक्त जाएंगे, तो 90 दिन के प्रोसेस में हमें सूचना मिल जाना चाहिए। यहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं? अभी एक केस मेरा बांदा के PWD का था, मैं तो उसको भूल ही गया था कि कभी इसका जिरह भी सूचना आयोग में होगा जाके। 3 साल बाद आपने उसकी सुनवाई शुरू की, अभी भी उसको फाइनलाइज नहीं किया है, केवल एक डेट लगाया उसका जुलाई में और अभी वो चल रहा है। तो जो तथ्य मैंने 90 दिन के अंदर पूछा था, मुझे मिल जाना चाहिए था, उसका डेटा जब आप 3 साल बाद देंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगी, डेटा बदलेगा, तथ्य बदलेंगे, करप्शन का पूरा जो फाइल होगा वो आप उसको डिस्पोज कर देंगे, उसके तथ्य गायब कर देंगे। तो आप तो अपने बचाव के लिए सूचना आयोग को नियंत्रण रखना चाहते हैं, आयुक्त को नियंत्रण रखना चाहते हैं। आप जब किसी व्यक्ति का पावर, वेतन, भत्ता कटौती कर देंगे तो आप उसके कद को छोटा कर रहे हैं, ना कि उसके कद को बढ़ा रहे हैं। ये जो हाल ही में सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया, लेकिन आप देखेंगे कि जब से भारतीय मोदी सरकार आई है, आपने देखा कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको निष्क्रिय करने के और कमज़ोर करने की एक साजिश चल रही है। जो भी देश की स्वायत्त एजेंसियां हैं, जो चाहे वो RTI सूचना आयोग रहा हो या चुनाव आयोग रहा हो, इस तरह तमाम सारी जो भी आयोग रहे, उनका स्वतंत्रता छीनने का अधिकार उनको छीनने का प्रयास किए गए। अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने RTI में काफ़ी संशोधन किए हैं। निश्चित रूप से वो संशोधन उन्होंने सूचना आयोग को कमज़ोर करने के लिए किया है, चूँकि अभी तक जो सूचना आयोग था वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, और सूचना आयोग के माध्यम से जो बहुत सारे भ्रष्टाचार होता था, विभागों में भ्रष्टाचार होता था, विभिन्न मंत्रालयों में होता था, मंत्री स्तर पर होता था, सरकार के द्वारा जो भी भ्रष्टाचार होते थे, बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले हुए, उसकी जानकारी सूचना के माध्यम से, सूचना के अधिकार के माध्यम से आ जाती थी। लेकिन चूंकि अब सरकार ने काफ़ी चीज़ों में उसमें संशोधन किया है जो न्याय हित में नहीं है, कुल मिलाकर हम देखा जाए इसको एक नज़रिए में कहेंगे तो केंद्र सरकार ने इसको कमज़ोर करने की साजिश रची है। जैसे अब चूँकि अभी तक क्या होता था कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, और इसके अलावा भी हर व्यक्ति स्वतंत्र था, जो कुछ मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जो देश की एकता, अखंडता या उस तरह के मामले, तो उनको अलावा जो भी बातें थी उसको आप सूचना के अधिकार के माध्यम से आप जान सकते थे। लेकिन अब जो है कई सारे प्रावधान किए हैं कि अगर आप किसी विभाग से लगातार सूचना मांग रहे हैं तो आपको यह अवगत कराना होगा कि आप इससे सूचना क्यों मांग रहे हैं। हो सकता है कि 5% इसके सूचना के अधिकार का दुरुपयोग भी होता रहा हो, लेकिन 95% इसका उपयोग हुआ है। और जब भी सरकारी अमले में या प्रशासनिक अमले में जब भी कोई भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी जड़ पर पहुंचा गया है, उसकी जानकारी अगर बाहर तक निकली है ऑफिस के बाद, तो वो उसका केवल और केवल कारण एक ही था, सूचना का अधिकार। बुंदेलखंड में लगातार 3 दशक में 3 अरब रुपए का
पौध लगा है केवल हरियाली के नाम पर, और जो मैं बोल रहा हूँ एलिगेशन लगा रहा हूँ कि 3 अरब का लगा है, तो 5 किलो की फाइल मेरे अंदर ऑफिस पर रखी हुई है और सारा RTI का डेटा है जो मैंने मेहनत से संकलन किया है। 3 अरब का पौधा अगर आप ज़मीन में लगाते मुझे लगता है बुंदेलखंड के हर घर में हरियाली हो जाती, और वो हरियाली यहाँ के इन्वायरमेंट को मेंटेन करती, यहाँ के सूखे को मेंटेन करती। अभी 9 अगस्त को हमारे पूरे प्रदेश में 22 करोड़ पौधा लगा और बांदा के अंदर 19 लाख पौधा लगा लिया गया। ये क्या संभव है क्या कि एक दिन में आप 19 लाख का पौधा लगा लेंगे, और आपके पास क्या इतने सरकारी कर्मचारी हैं कि 19 लाख पौधों के लिए आप गड्ढा खोद लेंगे एक हफ्ते के अंदर? अगर आपने किया है तो आप उसका जवाब दीजिए। यही चीज़ें आप जब इस एक्ट को लाए थे 2005 में, अगर सिर्फ लोक सूचना अधिकारी के ऊपर पेनाल्टी की बजाय उस पर कार्रवाई करते, उसका निलंबन करते, या उसको सख्ती से ऐसी कोई चीज़ उसके ऊपर करते जिससे उसके उसके अकल ये आती कि हम जो कर रहे हैं लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम जो हम कर रहे हैं उससे देश का विकास रुक रहा है, उससे देश के युवाओं में कुंठा पैदा हो रही है, उससे जो पूरा तंत्र है वो केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। बड़े बड़े घोटाले 2G 4G जो UPA गवर्नमेंट में हुए उनके आधे से ज़्यादा जो डेटा लीक हुए वो RTI की बदौलत हुए। आपने आज उसी RTI कानून को अपंग कर दिया। आप जब सूचना मांगते हैं तो वो सूचना निश्चित अवधि के अंदर ही देते हैं, लेकिन वो कितना जवाब देते हैं वो निर्भर करता है। अब तक मैं यहाँ पर आए होंगे RTI आए दिन काफ़ी आवेदन पत्र पढ़ते हैं RTI के तहत, और उसमें विभाग के तरफ से उसके जवाब दिए जाते हैं, और इससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है। जो तमाम सूचनाएं हैं उससे उनको मदद मिल रही है और विभाग को निष्पक्ष रूप से काम करने को बाध्य होना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि किस तरह के लोग आते हैं RTI की सूचनाएं मांगने के लिए? RTI की के आवेदन पत्र प्राप्त करने वालों में हर तरह के लोग हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो वास्तव में पीड़ित हैं और जिनका काम नहीं हो रहा है, वो अपने प्रकरण से संबंधित सूचना एकत्र करके अपने काम को परसू करते हैं। कुछ तो इस तरह के हैं, कुछ ऐसा कहना नहीं चाहिए, कुछ तो इसको व्यवसाय बना दिया है कुछ लोगों ने, जो विभाग की कमियों को उजागर करके या ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। इससे भी इनकार नहीं किया सकता, कुछ लोग ऐसे भी हैं, और कुछ जो है वास्तव में जनहित के को ध्यान में रखते हुए RTI के आवेदन पत्र डालते हैं कि इससे दूसरे को फायदा हो। तो कहने का आशा यह है कि हर तरह के आवेदन पत्र RTI के साथ आते हैं। तो ये नियम, ये जो कानून बने थे कि अपना स्वतंत्र था किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले पाना, क्या वो मुश्किल हो गया है? ये नहीं, देखिए सूचना आयोग को तो स्वतंत्र ही होना चाहिए। किसी के अधीन अगर है तो फिर ये बताइए, जिसके अधीन है उसी के बारे में हम सूचना मांग रहे हैं, तो उसी का अधीनस्थ अपने आका के विरुद्ध कोई भी कमी वाली सूचना हमको कैसे दे देगा? और ऐसा नहीं कि सरकारें सिर्फ कमी ना करती हों, सरकारें के कामों में बहुत सारी कमियां रहती हैं और उन कामों को छिपाया जा सकेगा, यही सरकार का मुझे मुख्य उद्देश्य लगता है। इसीलिए उसने RTI को सरकार के अधीन करके उसकी स्वायत्तता खत्म कर दी है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।